माननीय कुलाधिपति जगतगुरु स्वामी और अब हम माननीय कुलाधिपति जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी से अनुरोध करेंगे अध्यक्ष व कुलाधिपति उद्बोधन उनके आशीर्वचनों के लिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारिध्वां अस्मदाचार्य परिणतां वंदे श्री गुरु परंपरा। यद्यपि मुख्यमंत्री को विलंब हो रहा है, वातावरण बहुत प्रतिकूल है, फिर भी मैं केवल आपका 5 मिनट ले रहा हूं और बहुत अच्छी सूचना के लिए, इतनी अच्छी सूचना कि अन्नपूर्णा का रसगुल्ला भी उतना मीठा नहीं लगेगा जो मैं बोले जा रहा हूं। आप लोग जरा ताली बजाकर प्रेम से आनंद कीजिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह के दीक्षांत भाषक मेरे अनुज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री तरुण तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी, मेरे विद्यार्थी मित्र गुरु का उदासीन गुरु कार्ष्मी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, डीलिट और डीएससी के उपाधिधारक श्री कनु भाई टेलर और चौधरी डॉक्टर शिव कुमार, उनकी धर्म पत्नी और मेरी पुत्र वधु पारी, मंच संचालिका, मैं तो इनको देखकर कह रहा हूं झिलमिल झिलमिल झलक रहा है सिर पर अंचल, उससे दिखते हैं देवी के तनिक दृगंचल। और इस विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों और मेरे उत्तराधिकारी रामचंद्र दास आचार्य रामचंद्र दास जय भैया, शिक्षिकाओं शिक्षकों, माननीय मंत्रीगण, कुलपति, वित्ताधिकारी लेखाधिकारी, कुल सचिव, छात्रों छात्रों, आज आपको अंतर्दृष्टि से मुस्कुराते हुए देखकर मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, थोड़ा सा अवसाद है कि गृहमंत्री नहीं आ पाए। गृहमंत्री ने मुझे दुखी रुद्ध स्वर में मुझसे फोन पर कहा कि जगत गुरु जी मैं आऊंगा और मैं वचन देता हूं अगले वर्ष तक यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकर रहेगा। तब तक हमारे भाई योगी आदित्यनाथ जी इसकी सहायता करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी बुआ जी के चले जाने के पश्चात थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा मुझको असहजता का अनुभव होने लगा है। फिर भी प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करना मेरा स्वभाव रहा है, असंभव को संभव करना मैं जानता हूं स्वयं। मेरा एक वाक्य है आदित्यनाथ जी, स्वयं को कर सजग इतना, गुरुभाई गुरशरण जी स्वयं को कर सजग इतना कि प्रति सौभाग्य के पहले प्रभु साधक से ही पूछे बता तेरी समीहा क्या। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना मेरी नियति है। जीवन में सबसे बड़ी विकलांगता दृष्टिबाधिता होती है। ब्रह्मांड का रहस्य बताने वाले व्यक्ति को भी दृष्टि थी, दृष्टिबाधिता बहुत बड़ी विकलांगता है। आप शायद नहीं जानते, एक क्षण आंख में पट्टी लगाकर देखे तो लगेगा कितनी कितनी कठिन होती है।
अपने लोग भी पराए बन जाते हैं। शुभाव सर्वोपरि भी दृष्टिहीनों को अपशकुन माना जाता है। ऐसे क्षणों का अनुभव मैंने भी कतिधा किया है और लगता है उन्हीं क्षणों ने मुझे निर्णय ले लेने के लिए विवश किया। मैं दुनिया का सबसे पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय बना और अपनी पूरी युवावस्था लगाई, पूरा धन दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। दवाई के लिए भी मुझे कहना पड़ता है यदि नींबू का पानी पीने के लिए, तो मैं जैसे कहता हूं जरा नींबू के पानी की व्यवस्था कर दो, मेरे पास व्यक्तिगत पैसा नहीं है और न रहेगा। मेरे व्यक्तिगत केवल राघवेंद्र सरकार होंगे, हमनिक धन एक राघव के चरण बा। कोई भी वक्ता बहुत बड़ा कथावाचक बन जाए, चाहे वो आकाश में कथा कहे, चाहे अग्नि में कथा करे, जो कुछ करना करे, पर अपनी कथा के पैसे का ही देखा जोखा नहीं दे सकता गुरु भाई, पर मैं दे सकता हूं। 18 वर्षों में योगी जी मैंने श्री रामकृष्ण कथा से 500 करोड़ रुपए दिया, क्या कम दिया हूं? इस विश्वविद्यालय पर तो मैंने ही चलाया। अब थोड़ी सी शारीरिक असमर्थता आ गई है और वेतन बढ़ने लगे से मैंने आपसे सहायता मांगा, नहीं तो भी न मांगता। मैं दो घोषणाएं कर रहा हूं, अगले वर्ष से हम इस विश्वविद्यालय में विधि विभाग भी चलाएंगे, जो 5 वर्ष का ला होता है और इंटर से लेकर एम तक वो चलाएंगे, और इसी जुलाई सत्र से कुछ भी हो जाए पर मुझे अपने विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलना है इसी विश्वविद्यालय। दिव्यांगों को मेडिकल कॉलेज खोलना है, आप लोगों को सहायता देनी पड़ेगी और मैं सहायता लूंगा। ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, त्रिदंडी हूं, तो मुझे भिक्षा मांगने का अधिकार है। और दूसरी शुभकामना कीजिए कि ये इतना काम करने पर मेरे मन में ईगो न आए बस, क्योंकि जहां ईगो आ जाता है वहां गोविंद कह देते हैं आई गो, मैं जाता हूं, ले अपना ईगो संभाल। मेरे मित्र मुख्यमंत्री जो कि विलंब हो रहा है जाने में, 2 वाक्य और मुझे बोलने का मन कर रहा है। यह प्रांतीय प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो, या प्रांतीय विश्वविद्यालय हो, या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जीवन कुलाधिक कुलाजीवन पर्यंत कुलाधिपत तो मैं रहूंगा ही, और स्वस्थ होकर प्रत्येक दिव्यांग के दुख और सुख में मैं सहभागी रहूंगा। आप मुस्कुराएंगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, आप रोएंगे तो मैं रोऊंगा। आप मुझसे अलग हो रहे हैं, तन से अलग हो रहे हैं, पर मन से अलग मत होइएगा। जैसे युवक अपने वृद्ध बाप की चिंता करता है, इसी प्रकार आपको हमारी चिंता करनी पड़ेगी। आपका वियोग मुझे भावुक कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे आप अपने हैं, परिवार तो मेरा अपना नहीं रहा, मेरे आप अपने हैं। दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा का अंत नहीं, गलत बात, ये दीक्षा का अंत नहीं हो रहा है। अंत स्वरूप निकटे प्रांते प्रांते च प्रांते निश्चय नाश है, अह यह दीक्षा का स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं। दीक्षा या अंत माने दीक्षा या स्वरूपम, ये दीक्षा का स्वरूप है।
आप जहां रहें वहां माता पिता गुरु के साथ राष्ट्र को देवता मानते रहें, जहां रहें निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय को अपना मानते रहें और मुझे अवश्य स्मरण करते रहें। तो मैंने आपके लिए सब कुछ दिया है, आप हमारे हैं। एक भाव पिता अपने बालक बालिकाओं से बिछुड़कर भावुक हो जाता है। बैकुल ममतावधि दृश्यम स्नेहा दरण्यम कुछ पीड्यंते ग्रहण कथम तनिया विशेष दुख है न भाई। हम परित्राजक हैं, परिवार के प्रति हमारा कोई मोह नहीं है, पर आपके प्रति हमारा मोह है और रहेगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, यही दीक्षा का स्वरूप है। राष्ट्र के यज्ञ में अपने को समर्पित कर दीजिए। दीक्षा का अर्थ है यज्ञ। आपसे आप राष्ट्र के लिए दीक्षित हो रहे हैं। इदम राष्ट्राय नमम, यह राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं। राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए अपनी स्वाहा की जिस स्वभाव की चर्चा मत कीजिएगा। स्व का आदर पूर्वक राष्ट्र के प्रति आह्वान कर दीजिए। मैं वचन देता हूं, कर्म भाई कल्याण से कह रहे थे सरकारी आंकड़े गलत हैं, अब मैंने भी देखा भारत में 12 करोड़ विकलांग हैं। मैं योगी जी के सामने वचन देता हूं, मैं एक संप्रदाय का जगत गुरु हूं और पढ़ने में इतना विश्वास करता हूं। गुरु भाई से गुरु शरण से पूछ लीजिएगा, कभी भी 99 से नीचे मैंने कभी अंक नहीं देखे, इतना पढ़ा मैंने। आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, आपका मंगल होगा। अगली वर्ष हम विकलांग दिव्यांगों के लिए हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। हमारे विकलांग भाई बहन प्रोफेसर बनेंगे, ऑपरेटर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और अगले वर्ष से, अब मैं चौधरी साहब से कह दे रहा हूं, अगले वर्ष से हमारे विद्यार्थी यहां से पढ़कर डॉक्टर ही आपके जैसे बनेंगे। डॉक्टर अब कहते कहना नहीं था, मना किया था, लेकिन मैं कह रहा हूं डॉक्टर चौधरी बहुत प्रिय है उसको। अगली बार जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर चौधरी ने ही किया था। यदि मैं मर्यादा कर लगूंगा कह रहा हूं, पर कृतज्ञ नहीं कहूंगा तो कृतज्ञ होगा, बहुत प्रिय है ये मुझे। आप चिंता मत करिए, 12 करोड़ विकलांगों को जीविका दिलाने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं। आप शुभकामना कीजिए। हमने युवक होने पर भी आचार्य रामचंद्र दास को विरक्त दीक्षा में दीक्षित किया है, ये काम करते रहेंगे। मैं निरंतर आपके लिए रहूंगा, अपने लिए कुछ नहीं रखूंगा मैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कभी आप 30 वर्ष रहेंगे, 1 शतक में चकाचक पूरा करूंगा। आपकी मुस्कुरान मेरी मुस्कुरान होगी। आप बिल्कुल मत रोइएगा, दुखी मत होइएगा। तुम हमारे लिए मुस्कुराते रहो, हम तुम्हारे लिए गीत गाते रहे। आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। 3 बार बोल लीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत, जय विकलांग, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी। और अब मैं कुल सचिव आदरणीय प्रोफेसर महेंद्र कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए।
मैं इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति जी, मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण, विद्या परिषद प्रबंध बोर्ड, व्यवस्थापक बोर्ड के माननीय सदस्यगण एवं अन्य सभी पधारे हुए।